हेलो लवली फूडीज, कैसे हो आप सब लोग। जब छाप की बात आती है ना, तो हम दिल्ली वालों की ना ये तो बहुत ज्यादा फेवरेट है। पनीर को छोड़ दो तो चाप को पकड़ लो, बस मजा ही आ जाता है। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक मस्त सी ऑथेंटिक चाप रेसिपी, जो बनाने में बहुत आसान है। और जो लोग बना रहे हैं ना, ये तल के यार ऐसे नहीं, बड़ा आराम से इसे प्यार से बनाएंगे। तो यहाँ पे चाप ले लिए और चाप को ना यहाँ पर ऐसे करके इसमें होल कर देने हैं। अब होल क्यों करने हैं? ये होल करने हैं ताकि जब आप इसको अच्छे से सॉटे करोगे तब ये बढ़िया हो जाएंगे, तो अंदर तक इसके अंदर इसका पूरा स्वाद जाएगा। इस चाप को ना पहले हमने बॉईल कर लिया था, थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लो। उसके बाद इसे एक बाउल में लेने के बाद ऐसे इसमें डालो ऊपर से जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरे लिए इजी था लाकर डालना डायरेक्ट, आप चाहो तो जिंजर गार्लिक पेस्ट घर में बना सकते हो। उसके बाद डालो इसमें काली मिर्च। काली मिर्च के बाद यहाँ पे ऊपर से हमने डाला चाट मसाला ताकि एक तड़कता भड़कता फ्लेवर आ जाए। काला नमक डाल दिया। काले नमक के बाद हम यहाँ पर डालेंगे ये थोड़ा सा, ये देखो अलग सा मसाला हमने एक घर में बनाया, ये गरम मसाला टाइप है, हमने सारे मिक्सचर्स करके घर में बनाया और उसको इसमें डाल दिया। और ऊपर से डाला सफ़ेद नमक। अब सफ़ेद नमक जब इसमें ये सारे मसाले मिल जाएंगे, इसमें फ्रेश अमूल की क्रीम डाल दो। अब ये हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली ना एक मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। थोड़ी देर मैरिनेट करेंगे, आधा पौना घंटा, एक घंटे के आसपास मैरिनेट करने के लिए ये मसाला मसाले के साथ, ये क्रीम के साथ आप इसमें बनाइए। और ऊपर से डालना है बटर। यहाँ मैंने न्यूट्रलाइट नहीं दिया, ये आपको नोट करना होगा। यहाँ मैंने यूज़ किया है अमूल का बटर। और ये तैयार हो गया आपका मैरिनेशन मसाला। देखो है ना कितना इजी, आप आराम से घर में ये मसाले यूज़ कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं यूज़ करना। और अब आखिरी जो इन्ग्रीडियंट है वो है हमारा दही। यहाँ पर तो दही जो रखा था बिल्कुल नॉर्मल दही है, ये कोई हंकर्ड नहीं है, योगर्ट नहीं है, नॉर्मल दही। और ये हमारे घर के पास मिलता है वो जो मटके वाला दही होता है ना, वो दही, वो वाला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आपको नॉर्मल पैक वाला भी मिलता है तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो लाएं। बस अब क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स कोशिश करिए आप हाथ से करें, उससे क्या होगा, जो अपने फोक से इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स करे थे अंदर तक पहुँचेगा सारा मसाला। तो मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इसको रखेंगे इस तरीके से करके, तो मैरिनेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको ये देख लेना है कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, मसाले मिक्स हो गए हैं और ये मैरिनेशन हो गया है। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ये मैरिनेट हो चुका है लगभग 45 मिनट के आसपास हमने रखा। अब यहाँ पर हमने इसे रख दिया एक तवे के ऊपर। तवे के ऊपर ये पहले से हमने थोड़ा सा बटर लगा लिया है, और बटर लगाने के बाद हम इसे धीरे धीरे हल्की आँच पर इसे हम फ्राई करेंगे। आप अब इसको शैलो फ्राई भी बोल सकते हो, कि डीप फ्राई नहीं है बिल्कुल भी, आप इसे फ्राई करिए। और ये बहुत धीरे धीरे जो अपना स्वाद होगा ना, जो एरोमा होगा वो आपको देने लगेगा। और जो ये मक्खन और दही के साथ का ये जो मैरिनेशन तैयार हुआ था, ये अपना फ्लेवर चाप में इंड्यूस कराने लगेगा, मतलब अंदर छोड़ने लगेगा। ये धीरे धीरे ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। और थोड़ा सा हो सकता है कि क्योंकि दही डाला है तो हो सकता है ऊपर की परत हल्की फुल्की ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाए, जल जाए, जलेगी नहीं बेसिकली, वो जलती नहीं है, वो हल्की सी काली होने लगती है। तो हमारे केस में भी ऐसा हुआ, जो कि आप वीडियो में आके देखोगे, पर वो बिल्कुल सही, आप उसे ऊपर से हटा भी सकते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से तैयार हो जाएगी। अब देखिए लोग बहुत ज़्यादा इसे फ्राई करते हैं, तो फ्राई नहीं करना था हम लोगों को, एक शैलो टच देना है ताकि वो जो अंदर मैरिनेशन का वो जो क्रिस्प ऊपर हो और अंदर की तरफ से यहाँ पर जो जूसी है, जूसी जो एक इसकी एक क्या बोलते हैं, एक जूसी एक इसका अपने आप में एक फोटे है वो रहता है यहाँ पर। अब ये देखिए तैयार हो चुकी है यहाँ पे, आप इसको देखेंगे देख कितनी मुलायम है यहाँ पे। ये उस तरीके से नहीं है कि हमने इसे यूज़ करके बनाया बहुत ज़्यादा फ्राई किया, और नहीं करना है। अब क्योंकि ये अफगानी मलाई चाप है, तो साथ में आपने देखा होगा जब आप रेस्टोरेंट में खाते हैं कि साथ में प्याज होता है, टमाटर होता है, शिमला मिर्च होता है, तो साथ में हम उसी को ही तैयार कर रहे हैं। तो एक कढ़ाई में आपको थोड़ा सा आप इसमें ले लीजिए बटर, डेढ़ चम्मच के आसपास मैंने लिया। आप कढ़ाई की जगह तवे की भी यूज़ कर सकते हैं, अप टू यू। मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट रहता है कढ़ाई को यूज़ करना, सब कुछ आसानी से हाथ से मिक्स हो जाता है और बाहर भी नहीं ज़्यादा स्पिलेज होता। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें ले ली और इसको भी ज़्यादा नहीं, एक शैलो कुकिंग करेंगे और अराउंड 2 से 3 मिनट इसकी कुकिंग करेंगे हम, और ये रेडी हो जाएगा तब तक में।
अब ये तीनों रेडी हो चुके हैं, हमने थोड़ी देर इसकी कुकिंग करी, अब ये रेडी हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा एक चीज ऐड करेंगे जो कि ये स्टेप आपको पहले ही लेना है, वो है मैरिनेशन जो करा था हमने चाप का, उसका थोड़ा सा मसाला यहाँ पे हम यूज करेंगे ताकि ये सारे फ्लेवर्स ना इस सब में भी मिक्स हो जाए। ये आपको नोट करना होगा, ये स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बस अब क्या करना है, इसमें डाल दीजिए आप चाप और इसको अगेन 5 मिनट के आसपास के लिए इसे थोड़ा सा आपस में चलाइए ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं और आपको एक बहुत बढ़िया टेस्ट दें। मैंने टेस्ट के लिए, क्योंकि हम थोड़ा सा नमक कम तो नहीं बट ठीक ठाक खाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक और डाला। आप अपने स्वादानुसार वो डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और ये देखिए यहाँ पे ये चाप रेडी हो चुकी है। अब इसको आप सेपरेटली एक बाउल में निकाल लीजिए परोसने के लिए। और ऊपर से यहाँ पे मैंने यहाँ पर डाला थोड़ा सा मक्खन, और मक्खन के अलावा ना, अब आप मक्खन चाहें तो वो ऐड करना चाहें करिए, नहीं करना चाहें मत करिए, बट अगर क्रीमी टेक्सचर देना है तो मैं आपको बोलूँगा कि वो मक्खन आप ज़रूर यूज़ करिए। तो ये आ गया मक्खन थोड़ा सा ऊपर। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको भी आपस में मिला देना है। और ऊपर से मैं थोड़ी सी अमूल की फ्रेश क्रीम और डालूंगा ताकि एक वही रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर हमें मिल पाए। एंड दैट्स ऑल, ये रेडी है आपके सामने अफगानी मलाई चाप, जो कि आपको टेस्ट देगी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला घर पे। अब आप चाहें तो रुमाली रोटी भी साथ में ला सकते हैं, खा सकते हैं लाकर, या फिर आप इसे ऐसे भी डायरेक्ट खा सकते हैं। जैसे चाहिए वैसे खाइए, तंदूरी रोटी के साथ खाइए, जिस भी चीज़ के साथ खाना चाहें उस चीज़ के साथ खाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, हेल्पफुल वीडियो हो तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी रेसिपीज़ लाता रहता हूँ फूडिस डायरी पे, और हर वीक एक वीडियो तो पक्की ही पक्की है, 1 से 2 वीडियो ट्राई रहती है कि 2 वीडियो ऐसे ही आ जाएं, बल्कि शॉर्ट तो मैं रेगुलर डाल ही रहा हूँ। तो जाके देखिए शॉर्ट्स, ऐसी अमेजिंग रेसिपीज हैं। समर चल रहा है तो कुछ कूलर्स भी बनाए हैं, बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।